जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEG सेंटर रुड़की का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी BEG सेंटर का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? हु इज द चीफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है दोस्तों, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य का जो शासन संचालक होता है वो होता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, सरदार हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलांकर और B.R. अंबेडकर। तो दोस्तों, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष यानी कि जो प्रथम स्पीकर थे उनका नाम था G.V. मावलांकर और इनका पूरा नाम था दोस्तों गणेश वासुदेव मावलांकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलांकर। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स लोकेटेड। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों जो जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये है भारत के कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीना हो गया, अपने चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं। तो इसका दोस्तों एक कारण था कि मैं अपने घर पे गया हुआ था छुट्टी, और वहां पर मुझे कुछ ऐसा काम पड़ गया जिसकी वजह से मैं आपको वीडियोज़ नहीं दे पाया। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने के कारण मैं आपको कभी कभी वीडियोज़ नहीं दे पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली या फिर हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस जरूर प्रोवाइड कराए जाएं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA लोकेटेड। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं आपके देहरादून, खड़गवासला, दिल्ली या फिर वेलिंगटन। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि जो IMA है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। अब दोस्तों, आप देहरादून और खड़गवासला में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूँ। अगर IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात हो तो देहरादून आपको टिक करना है, और अगर NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात हो तो आपको खड़गवासला जो है वो टिक करना है। ठीक है, NDA कहाँ पर है? खड़गवासला में, और देहरादून में क्या है? IMA। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, मलयालम किस राज्य की प्रमुख भाषा है? मलयालम इज द मेन लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो मलयालम जो है दोस्तों वो केरल की प्रमुख भाषा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंठक पठार नदी के उद्गम का प्रतीक है। ठीक है, अमरकंठक प्लेटू इन द मैकाल हिल्स मार्च द ओरिजिन ऑफ द रिवर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये है आपका ऑप्शन ए नर्मदा रिवर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रतो कप आर एसोसिएटेड विद। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप जो हैं वो दोनों ही दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्टुअरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो कि एक मुहाना बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नर्मदा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन सेटअप। ठीक है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई?
तो दोस्तों 31 जनवरी 1992 के लिए महिलाओं के लिए जो है वो राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? इन विच कंटिनेंट इज द अटाकामा डिजर्ट लोकेटेड? तो दोस्तों जो अटाकामा डिजर्ट है वो साउथ अमेरिका में स्थित है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ यानी कि दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अश्विनी पोनप्पा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों अश्विनी पोनप्पा का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाई, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्यरात्रि सूरज का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज नाउन एज दी लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? तो दोस्तों मध्यरात्रि यानी कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर वाज बिल्ट बाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है शुक्र। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक चीज आपको और बता दें दोस्तों, ये जो था वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था BEG यानी कि बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की का। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो आप तब सोचते जब मैं आपको ओनली प्रैक्टिस के लिए जो है वो अपनी तरफ से PDF लेकर आता। लेकिन ये दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की PDF है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए गए हैं जो भी पेपर में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। और जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि अभी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर डेली क्विज शुरू करने वाले हैं पहले की तरह ही। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर फॉलो हमें ज़रूर कर लें, जिससे आप क्विज में शामिल हो सकें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।